हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय स्टडी फिर चैनल दोस्तों आज मैं फिजिकल एजुकेशन में कोई भी टेस्ट आपको करवाना है तो उसके लिए कितने चरण होते हैं छः चरणों के बारे में बताऊंगी डिटेल में और बहुत ही शाट में दोस्तों एंड दोस्तों यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं चाहे वो के बी एस एन बी एस टी जी टी पी जी टी एल टी कोई भी एग्जाम्स हो उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे वीडियोज मेरे चैनल पे पड़े हुए हैं उन सब वीडियोज को देख कर आप अपने तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं एंड दोस्तों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के सीरीज डेली बेसिस पे आ रहा है उसको आप देखना मत भूलिएगा तो दोस्तों चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पर दोस्तों फिजिकल एजुकेशन में यदि आप कोई भी टेस्ट करा रहे हैं चाहे ऑफर टेस्ट चाहे इंडियना टेस्ट कोई भी टेस्ट स्किल टेस्ट तो उसके लिए कम से कम से छह चरण होना जरूरी होता है जैसे कि पहला है इंट्रोडक्शन दूसरा प्रोसीजर यानी पर्पज यानी उद्देश्य क्या है पहला इंट्रोडक्शन यानी कि वह टेस्ट कब कहा किसने बनाया दूसरा पर्पज यानी उद्देश्य यानी किस उद्देश्य के, के लिए बनाया गया है जैसे बॉयज गर्ल्स महिला पुरुष किसके लिए बनाया गया है चौथा इक्विपमेंट यानी कि उस टेस्ट को कराने के लिए क्या क्या इक्विपमेंट लगेगा दोस्तों एंड पांचवा है प्रोसीजर यानी कि उस टेस्ट की प्रक्रिया प्रोसीजर यानी प्रक्रिया यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टेस्ट यानी प्रशासन प्रशिक्षण या प्रक्रिया यानी टेस्ट या क्रिया को कराने की प्रक्रिया या विधि को क्या विधि है इसके बारे में जानना आवश्यक है एंड लास्ट में होता है आपका स्कोरिंग कि रिजल्ट जो सबसे अच्छा करता है उसका स्कोर बेस्ट माना जाता है बेस्ट स्कोर को चुना जाता है दोस्तों जी बहुत सारे टेस्ट फिजिकल एजुकेशन आफर, आफर जैसे फिटनेस टेस्ट हार्वर्ड टेस्ट टटल एंड जेसीआर टेस्ट एंड, टेस्ट, एंड टेस्ट में जितने भी टेस्ट है कार्डियो स्किलर टेस्ट इस सभी टेस्ट के बारे में दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में स्टेप बाय स्टेप करके सभी टॉपिक्स को क्लियर करूंगी आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको क्लियर हुआ होगा एंड दोस्तों ये आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए और ज्यादा से ज्यादा शेयर किया की कीजिए दोस्तों जिससे मुझे एक मोटिवेशन मिलता रहे जिसके चलते मैं आपको डेली बेसिस पे वीडियो प्रोवाइड कर सकूं एंड दोस्तों पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हिंद